ऊर्जा दादी 57 नंबर नारायण की सहयोगी पति है, 8वां नंबर, 8वां नंबर की, तो उनका भी अगले 7 जन्म कम हो जाते, कम नहीं होंगे। तो फिर अभी हम एडवांस में जो भी बच्चे आपके सामने बाबा के सामने, उसका हम एक प्रूफ दें जी कि जगदम्बा माता 9 साल की थी, 10 साल की, और 4-5 साल की थी तब से बेसिक ज्ञान में चल रही थी। 9 साल से वो 14-15 साल की हुई है, 9 साल में एडवांस में आ गई थी, 14-15 साल की हुई तो बाबा की कनेक्शन में अच्छी तरह आ गई, एडवांस ज्ञान माँ के साथ सुनती थी, बेसिक में भी जाती थी। तो जब एडवांस ज्ञान निकल पड़ा 76 में, तो उसकी माँ पुष्पा माता और वो जगदम्बा दोनों ही जाकर के पांडव भवन दिल्ली में गुलजार दादी को आधा घंटे का टाइम मांगा और उनको सुनाया। गुलजार दादी मान गई, कुर्सी पे बैठ करके उन्होंने सुना भी, ये दोनों माँ बेटी जमीन पे बैठे बैठे उन्हें सुनाते रहे। आधा घंटा तो क्या, 10 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया सुनाते सुनाते, और गुलजार दादी कह के मेरे सर दर्द करने लगा, तो फिर सुनूंगी। चलिए, ये क्या है? तो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर है। कमजोर आत्मा, कमजोर अगर बहुत कमजोर कोई है और उसको पावरफुल टॉनिक दे दिया जाए तो पचाएगा? नहीं पचाएगा, वो कमजोर आत्मा है। तो गुजरात दादी के बैठने बाबा, अभी हम बाबा के सामने जो एडवांस के बच्चे बैठे हैं, तो हम शुरू से आएंगे? सामने बैठने की बात नहीं है, सामने तो बहुत बैठते हैं लेकिन सन्मुख बैठते हुए भी क्या सन्मुख है या अंदर से कहीं विमुख संकल्प तो नहीं चलते हैं? ये भी तो देखा जाए, अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होने चाहिए या सिर्फ बाहर से देखने में सन्मुख बैठे और अंदर से अच्छा अकेले में मिल जाए तो खुद थरप थप पड़े हैं। हमारा जन्म सत्य शुरू से हो सकता है माने? तो तभी हो सकता है जब अंदर बाहर से जो ज्यादा सन्मुख होकर रहेंगे एडवांस में आने के बाद, तो वो ज्यादा ज्यादा समीप रहने की, अनेक जन्म साथ रहने की शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब गुलजार दादी से भी हमारी ऊंची गति होती है। अरे गुलजार दादी 7 जन्म कम हो जाएंगे?